बुलेटिन राजस्थान आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है, एस्केप चैनल के पास 3 जर्जर मकान ढह गए। तेज बहाव के चलते मकानों का पिछला हिस्सा ढह गया। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद पानी को लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से जो मकान है वो जर्जर हो चुके हैं। महादेव ढाबा के पास की एक घटना है। निगम का दल इस वक्त मौके पर पहुंचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां एक एक कर 3 मकान भरभरा कर धाराशायी हो गए। पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, जिसके वजह से जो मकान है वो पानी की वजह से सीढ़ खा रहे हैं, और यही वजह है कि मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। अब आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आसपास कई और घर मौजूद हैं जिनके टूटने का खतरा अब बना हुआ है। सूचना मिलते ही वहां पर टीम पहुंची हुई है, निगम का दल मौके पर पहुंचा हुआ है। पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एस्केप चैनल के पास यह हादसा हुआ है और 3 जर्जर मकान तेज बहाव के चलते ढह गए हैं। मकानों का ये पिछला हिस्सा है जो ढह रहा है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसी ने इस हादसे को कैमरे में कैद कर लिया है। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर तिनके की तरह ये पूरा का पूरा मकान भरभरा कर गिर जाता है, ढह जाता है। अब वहां पर दल पहुंचा हुआ है, निगम का दल, और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अगर उस दौरान घर में लोग मौजूद रहते, आसपास लोग मौजूद रहते, तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन ये बड़ी राहत की बात है कि उस दौरान आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आसपास जल जमाव भी आप देख सकते हैं, और यही वजह है कि जो घर हैं उनमें दरारें पहले से ही देखी जा रही थी, मकान जर्जर हो रहे थे, और आज एक एक कर 3 मकान धाराशायी हो गए। तो अब निगम का दल मौके पर पहुंचा हुआ है, और आसपास भी चूंकि मकान स्थित है, दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो, कोई जनहानि ना हो जाए उस हादसे को लेकर, ऐसे में जांच अब बेहद जरूरी हो जाती है, और जो आसपास घर हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो 3 मकान आपको तस्वीर में दिख रहे हैं वो धीरे धीरे एक एक कर धाराशायी होते चले जा रहे हैं। तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई क्षेत्र पहले से ही पानी में डूबे हुए हैं, और आना सागर ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके बाद से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, और ये पानी कई क्षेत्रों में पहुंच चुका है। कई जगहों पर जल जमाव हुआ है, कई मकान इस पानी की जद में है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक एक कर ये मकान धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। तिनके की तरह ये मकान ढह गए और जमीन दोज हो गए हैं। मकान का पिछला हिस्सा ये है, ये पीछे के हिस्से की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो धाराशायी हो गए हैं। किसी ने इसका वीडियो शूट किया जो अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। एक्चुअली अभी एस्केप चैनल में एक दो मकान गिरने की सूचना थी, अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सिविल डिफेंस की टीम भी अभी आ जाएगी। तो मकान जो कुछ और मकान जो ऐसे हैं जो गिरने की सिचुएशन में, उनको हम खाली करवा रहे हैं। साथ ही एस्केप चैनल का एक बार नक्शा वगैरह मंगवा के हम दिखवा लेते हैं, जो मकान गिरने की स्थिति में होंगे उनको नोटिस दे के आज खाली करवाया जाएगा। ये चीज़ तो ऐसा है कि मैं पीछे का कह नहीं पाऊंगी, मैं दिखवा लेती हूँ ऑफिस में क्या रहा होगा। अगर ऐसा है कि कोई नेसेसरी एक्शन लिया जाना था तो मैं एक बार दिखवा लेती हूँ, चेक करवाते हैं। मैंने आज सारी टीम को यहाँ बुला रखा है, हम सब लोग एक बार खड़े रहेंगे, चीजें चेक करवा लेते हैं। ऐसा है कि जनहानि नहीं होना हमारा उद्देश्य है।
और कर्नाटक में हुए संत की हत्या पर आक्रोश लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्नाटक में जैन संत की हत्या पर लोगों में खासा आक्रोश है। जैन समाज और सकल हिंदू समाज में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैन समाज और हिंदू संगठनों ने भीलवाड़ा बंद कर दिया है। आज बंद का आह्वान और इसके बाद भीलवाड़ा शहर के तमाम बाजार बंद नजर आ रहे हैं। व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सकल हिंदू समाज की ओर से रैली भी निकाली गई। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जब रैली निकालकर संत की हत्या पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्गों से मौन जुलूस भी निकाला जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं सड़कों पर। जैन संत की हत्या को लेकर लगातार विरोध बरकरार है। सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कर्नाटक में हुए जैन संत की हत्या को लेकर लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और अब बात कोटा की। कर्नाटक में जैन संत की हत्या का विरोध लगातार बरकरार है। जैन संत की हत्या के विरोध में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। कोटा में लोग मौन रैली निकाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैन समाज सीएडी सर्कल से कमिश्नर कार्यालय तक ये रैली निकाली जा रही है। मौन रैली निकालकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कई जिलों में कर्नाटक में जैन संत की हत्या का विरोध लगातार दर्ज कराया जा रहा है। घटना के विरोध में कई जिलों में बंद का भी आह्वान किया गया है। जयपुर, भीलवाड़ा, बारा, झालावाड़, करौली और डूंगरपुर में बंद का आह्वान किया गया है। जैन समाज के अलावा हिंदू संगठनों ने भी बंद का आह्वान किया है। किस तरह का जो मैसेज है वो आज इस रैली के जरिए? जैनियों को सुरक्षित करने के लिए, मुनियों की सुरक्षा के लिए हम मैसेज दे रहे हैं मौन जुलूस की। अभी तो ये मौन रैली है, बाद में कुछ और भी स्टेप उठाना पड़े तो उठेगा जैन समाज। जैन समाज आज सिर्फ कोटा में ही नहीं, प्रदेश में नहीं और पूरे देश में सड़कों पे है। जिस तरह का महाराज कर्नाटक में महाराज कुमार नंदी जी महाराज के साथ विभत्स हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर इतना आक्रोश है कि आदमी अन्य जल तक छोड़ने को तैयार है। और उसकी परिणति में आज कोटा में घोड़े वाले बाबा चौराहे से लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय तक एक जुलूस निकाला जा रहा है। मौन रैली के माध्यम से संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और इसमें मांग की जाएगी, यदि जल्दी ये जांच कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपी तो हम शीघ्र जो उग्र आंदोलन करेंगे। जैन समाज ही नहीं, अहिंसा में विश्वास रखने वाला हर मानव आज आक्रोशित है, क्रोधित है और उसके मन में दुख है। भारत जैसी भूमि पर एक जैन मुनि की नृशंस हत्या कर दिया जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। हमारी मांग है इसकी जांच व्यापक स्तर पर होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और अपराधियों को तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। भाई कर्नाटक में जिस प्रकार जैन मुनि जी के साथ जिस पर जघन्य हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए कम है और निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पूरा देश एक है और आज यहाँ पे कोटा में और जहां जहां भी मौन जुलूस कर रहे हैं सब लोग साथ दे रहे हैं और निश्चित रूप से अभी आज यहाँ पे जैन समाज के साथ वहां संभागीय आयुक्त जाके ज्ञापन दिया जाएगा। तो वही जयपुर में जैन मुनि की हत्या पर आक्रोश लगातार बरकरार है। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में जैन समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह पर रैली भी निकाली जा रही है। मौन रैली निकालकर गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है। जयपुर में भट्टारक जी की नसिया में हजारों की संख्या में जैन बंधु मौजूद है। जैन समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो डूंगरपुर जिले के सकल जैन समाज की ओर से कर्नाटक में हुई जैन संत की हत्या के विरोध में सागवाड़ा में बंद का आह्वान किया गया है। बंद को सर्व समाज और व्यापारी संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसके तहत इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। बंद के तहत जैन समाज की ओर से सागवाड़ा में जुलूस निकाला जा रहा है। वहीं एसडीएम को हथियारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और जयपुर के शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर ग्रामीण से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास सुसाइड नोट भी मिला है। निजी स्कूल की छात्रा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। परिजन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। डीएसपी समेत पुलिस जब्ता भी मौके पर मौजूद है। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के जवानपुरा गाँव का ये पूरा मामला है।
तो 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं शिक्षक पर, और इसे लेकर अब जो परिजन है उनमें गुस्सा बरकरार है। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, शिक्षक पर आरोप लगाए गए हैं प्रताड़ित करने के, और उसके बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली, क्या कार्रवाई की गई अब तक पुलिस की ओर से? जी देखिए, बाबू थाना इलाके के जवानपुरा गांव का ये मामला है जहां बुधवार शाम को एक 17 वर्षीय बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में जो स्कूल के एक छात्रा समेत दो शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। लेकिन परिजनों ने जो आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पे मौजूद है, डीएसपी समेत थानाधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं और परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन परिजन अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी शिक्षक है उसको डिटेन भी कर लिया है। हीरालाल, अभी क्योंकि परिजन खासा आक्रोशित है, क्या उनकी ओर से कुछ मांगे रखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए घटना के बाद जैसे ही मृतक के पास सुसाइड नोट मिला और सुसाइड नोट में जो शिक्षकों पर आरोप लगाया गया है प्रताड़ित करने का, इसके बाद परिजनों में गुस्सा व्याप्त हो गया। उनका कहना है कि शिक्षक लगातार छात्र को प्रताड़ित कर रहे थे, छात्र डरा सहमा था, इस वजह से उसने परिजनों को भी नहीं बताया। लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ी तो जो छात्र अवसाद में आके और अपने कमरे में जाके सुसाइड कर लिया। इसके बाद जो परिजन है उनकी मांग है कि जो आरोपी शिक्षक है उसको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हीरालाल, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि लगातार छात्र को प्रताड़ित किया जा रहा था, ये पहला मामला नहीं था और ऐसे ही कोई आत्महत्या तो नहीं कर लेता है, बहुत ज्यादा परेशान किया गया होगा छात्र को, एक छात्रा शामिल है, दो शिक्षक हैं, क्या इससे पहले छात्र ने इसे लेकर घर पे कोई जानकारी दी थी, कुछ बताया था इसे लेकर? जी देखिए, सुसाइड नोट में किसी छात्रा का भी जिक्र किया गया है कि दोस्ती को लेकर जो शिक्षक है वो लगातार जो छात्र पर दबाव बना रहा था और छात्र को बदनाम करने के लिए उसको दबाव बनाया गया था और छात्रा के परिजनों को भी स्कूल बुलाया गया था और जो छात्र है जिसके दबाव बनाया गया था उसके पिता को भी बुलाया गया था, लेकिन पिता किसी कारणवश स्कूल में नहीं पहुंच पाए और इसको लेकर जो शिक्षकों ने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसको लेकर जो छात्र है लगातार अवसाद में था, लेकिन डर के मारे छात्र अपने घर पे जाके ये बात नहीं बता पाया और आखिरकार परिणति ये हुई कि छात्र अवसाद में आकर उसने सुसाइड कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें पूरी घटनाक्रम की जानकारी उसने सुसाइड नोट में लिखा है और उसमें अपने परिजनों से भी उसने माफी मांगी है कि मैं आपका प्यारा बेटा नहीं बन पाया, मुझे माफ कर दीजिए। हीरालाल, क्योंकि सुसाइड नोट में तीन नाम आप बता रहे हैं और ये देखिए जी, सुसाइड नोट हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, 17 वर्षीय छात्र यहां पर जिसने सुसाइड कर ली और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, एक छात्रा जिसमें उसका नाम भी शामिल किया गया है सुसाइड नोट में और इसके साथ साथ दो शिक्षक के नाम भी सुसाइड नोट में बताए गए हैं। हीरालाल, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे क्या कार्रवाई की जाती है पुलिस की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सामूहिक हत्या के मामले को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है, अभी तक गतिरोध नहीं टूट सका है, शव उठाने के लिए अभी भी ग्रामीण तैयार नहीं है, अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। मृतक पुनाराम के दोनों बेटों को 1-1 करोड़ सहायता राशि देने की मांग की जा रही है, दोनों को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग है, हत्यारे के खेत में दाह संस्कार की भी मांग की गई है। RLP की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल भी लगातार धरना स्थल पर ही मौजूद हैं। RLP के कुल 3 विधायक धरना स्थल पर मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में वो भी शामिल हैं। भाजपा के भेराराम सियोल भी देर रात तक यहां पर समझाइश की गई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका है, अब तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है और ग्रामीणों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। तोसिया विधायक दिव्या मदेरना भी धरना स्थल पर पहुंची, उन्होंने बयान भी दिया, मामला सियासी रूप लेते हुए भी नजर आ रहा है जहां पर कई विधायक लगातार प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कई घंटे बीत चुके हैं, लगातार समझाइश की जा रही है, बात बन नहीं पा रही है, कौन सी वो मांग जिस पर सारा मामला अटका हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो जो ये सनसनीखेज घटना हुई थी, इसके बाद पुलिस ने जो है चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और इसके बाद जो मृतक परिवार के परिजन और RLP पार्टी द्वारा इस मामले में जो है प्रदर्शन किया गया और शव उठाने से इनकार कर दिया गया। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं जिनमें जो मृतक पुनाराम के बेटा जो दो बेटे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए देना, आर्थिक सहायता और दोनों को 1-1 सरकारी नौकरी और
साथ ही जो चार मृतक हैं उनके शव को जो है हत्यारे के खेत में जो है अंत्येष्टि करने की मांग को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात अगर करें तो उस समय पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में 100 मोटो संज्ञान लेकर सरकार से पूछा था कि किसी भी व्यक्ति को कोई अनहोनी होती है तो जो प्रतिकर दिया जाता है उसकी कोई एक सीमा होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार को जो है उन्होंने हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ रुपए देने की मांग है उस पर जो है बात बनती नजर नहीं आ रही है। और अगर बात करें तो जिस तरह से ये मामला जो है अब तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा जो है हमलावर हो रही है, वहीं जो है सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समझाइश करके बात बन जाए। वहीं आरएल भी इस बात पर अड़ी हुई कि सभी मांगों का अक्सर पूरा किया जाए, उसके बाद ही जो है शवों को उठाया जाएगा। जी क्योंकि चंद्रशेखर मामला सियासी रूप लेते हुए नजर आ रहा है, आरएलपी के साथ ही बीजेपी की भी एंट्री हो गई है, क्या उनकी ओर से आगे कुछ और रणनीति बनाई गई है या ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए अगर बात करें तो जो ओसिया विधायक है दिव्या मरेना, वो लगभग कल जो है विधानसभा छोड़कर यहाँ घटनास्थल पर पहुंची थी। उन्होंने कई प्रयास किए, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, आईजी भी मौके पर मौजूद रहे, सभी लोगों ने जो है वहां पर समझाइश के प्रयास किए, लेकिन लगभग रात 3:30 बजे तक जो है समझाइश के प्रयास चलते रहे। इसके बाद दिव्या मरेना जो है वहां पर ओसिया चली गई थी। वहां बिराराम सियोल जो की बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि रहे थे, प्रत्याशी रहे थे, वो भी वहां पे मौजूद है। और इसके अलावा जो छिवसर के विधायक है आरएलपी के, वो मौके पर मौजूद है और इस बात पर अड़े हुए हैं कि पूरी मांगों को माना जाए। जब हमारे न्यूज 18 के संवाददाता ने जब सवाल किया था कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संकेत दे दिए थे कि आरएलपी जब किसी धरने पे और या प्रदर्शन में उतरती है तो जो मांगे पूरी करके ही उसको खत्म करती है। तो ठीक है चंद्रशेखर, यानी कि साफ तौर पर जो पार्टीज वहां पर पहुंची उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आप नजर बनाकर रखिए, देखना है कि कब तक उनकी मांगों को सुन लिया जाता है और ये प्रदर्शन खत्म हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बैरोड पुलिस की सतर्कता से गैंग वॉर टल गया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर रहे जसराम गुर्जर के भाई की हत्या करने ये सभी बदमाश पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार के साथ तीनों बदमाश को धर दबोचा है। बैरोड पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पकड़े गए बदमाशों से अब लगातार पुलिस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर यहाँ पर आने के पीछे क्या मकसद, कौन कौन लोग और इसके पीछे शामिल है। गैंगस्टर विक्रम लादेन के कहने पर वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों आरोपी यहाँ पर पहुंचे थे। 2019 में विक्रम लादेन गैंग ने जसराम गुर्जर की हत्या की थी। जसराम के भाई ने बैरोड अस्पताल में लादेन पर फायरिंग करवाई थी। जसराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर लादेन पर हमला हुआ। अस्पताल में मेडिकल करवाने के दौरान लादेन पर हमला किया गया था।